टाइम हो रहा है सुबह के, बट टाइम दिख जा 4:15, 4:10, 4:10 गाड़ी है खड़ी। इस गाड़ी में से फास्टैग निकाला जा रहा है और ये गाड़ी हम लेके जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बताता हूँ थोड़ी देर में। भाई बैग तैयार, छाता तैयार, और भाई गुड मॉर्निंग, भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भाई। छाता धूप से बचने के लिए। अच्छा गाड़ी चलाओ तुम। भाई कहाँ जा रहे हैं हम सुबह सुबह? ए ब्रो कच्चे में आए हो तुम तो भाई, मस्त लग रहे हैं कच्चे में। भाई तुम्हारा कच्चा देख के ना मुझे ऐसा लगा यार मैं भी कच्चा पहन के आ जाता हूँ। सही में बट मैं पेंट पहन जीन ये ट्राउजर क्या कहते हैं इसे, तुम क्या कहते हैं? ट्राउजर तो नहीं है, चलो जो भी कार्गो, मैं कार्गो पहन आया। और भाई का कच्चा देख के मैं भी कच्चा लगा, मैं कल पहनूंगा मैं कच्चा। तुम्हारी गाड़ी में तेल का गया भाई, तेल का है। किधर खड़े हैं तुम्हारे लौंडे? बाइक से आए हैं क्या? बाइक भी लेके चलेंगे क्या ये लोग? हाँ तो भाई तुम कितने बजे तक पहुंचा दोगे तुम? मुझे नहीं पता मैं कितने बजे तक पहुंचा। तुम चलाओगे तो पहुंच जाएंगे 8 बजे तक, और मैं चलाऊंगा तो 10 बजे तक। यहाँ लो भाई, यहाँ लो, नीचे नीचे नीचे, आगे सुपर है यार। अबे यही वाला है भाई, सीएनजी नहीं भराओगे तुम? सब्जी मंडी इधर जा रही है, हम सुबह सुबह इधर आते हैं। आज तो खाली पड़ी है यार मंडी, फूल मंडी तो खाली पड़ी हुई है। टाइम हो रहा है 5:45, और भाई कहाँ जा रहे हैं हम? ऋषिकेश फुल चट्टी। ये तो भाई शिवपुरी जा रहे हैं, मैं फुल चट्टी जा रहा हूँ। ये भाई अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं। हाईवे पे चढ़ाओ तो हाईवे पे क्यों नहीं चढ़ा रहे हो गाड़ी? ये ना भाई बहुत तगड़ी गाड़ी चलाते हैं। अगर आपको 3 घंटे में जयपुर पहुँचना हो तो इनसे संपर्क करें, 2.5 घंटे में ऋषिकेश पहुंचना हो तो इनसे संपर्क करें। ये रोज़ सुबह 4 बजे निकलते हैं प्री वेडिंग के लिए। परमानेंट है कि अक्षरधाम से उठाते हैं, अगर आपको किसी को जाना हो सुबह तो अक्षरधाम इनके साथ में निकल सकते हैं। मौत के सौदागर हैं ये, ऐसे मौत को टक से छू के वापस आ जाते हैं। बंद कर रहे हैं अभी लाइट, इनकी बेइज्जती हो रही है अभी। अभी हमने CNG फुल करा ली है, बट CNG का यार प्रेशर पूरा नहीं था, कम था प्रेशर वहाँ पे। देखते हैं अब आगे अगर हमें कोई CNG स्टेशन मिलेगा, वैसे तो रास्ते में बहुत सारे मिलेंगे, बट हमारा टारगेट है कि हम हरिद्वार वाला तो पड़ेगा ना रास्ते में CNG, तो हरिद्वार वाले पे भरवाएंगे। अभी चलते हैं सीधा टॉपम टॉप। ये बताओ सुबह 4 बजे भी रॉन्ग साइड आ रहे हैं यार लोग, शर्म नहीं आती लोगों को। सुबह 4 बजे हम निकल तो लिए, 4:30 मतलब 4:45 बजे। कुछ खाने का कुछ है बंदोबस्त? 4 बजे नहीं, 9 बजे से पहले गाड़ी नहीं रुकेगी। 9 बजे से पहले गाड़ी नहीं रोकोगे तुम मन में क्या कह रहे हो कि तुम पिकनिक पे आए हो? बंदोबस्त पूछ रहे हो, बंदोबस्त क्या है खाने का? हमारे रुकने का बंदोबस्त क्या है भाई? कोई बंदोबस्त नहीं है, ऐसी चल दी है, ऐसी निकल ली है। एक्चुअली क्या है, ये भाई मेरे को अपने साथ में घुमाने लेके जा रहे हैं। घुमाने का तो बहाना है, मेरे से काम कराने लेके जा रहे हैं, दिहाड़ी बनवा रहे हैं वैसे ही है। बोल के तो लेके जा रहे हैं कि घुमाने लेके जा रहा हूँ, बट आपको दिखाता हूँ ये कैसा घुमाने लेके जा रहे हैं। कैसे घुमाने लाएंगे? ऐसा घुमाना तो भाई किसी को नसीब ना हो जैसा ये घुमाते हैं मेरे भाई। जाते हैं मजा, तो मजेदार बने रहो ब्लॉग में, बने रहो हमारे। ऐसा लग रहा है जैसे कोहरा ही कोहरा हो रहा है, ये पूरा कोहरे में। कितनी ठंड पड़ रही है यहाँ पे, मई का महीना चल रहा है, गर्मी इतनी हो रही है, और पता नहीं यार कोहरा क्यों हो रहा है भाई। ये आने वाला है हमारी जर्नी का फर्स्ट टोल हमें पार करने की बहुत एक्साइटमेंट है। उसका रीज़न ये है कि हमारा फास्टैग नहीं है गाड़ी में, तो फास्टैग हमारा पता नहीं कहाँ चला गया, कहाँ घूम गया, हमें नहीं पता कहाँ खो गया। तो हमारा गाड़ी नंबर से वो स्कैन करेगा नहीं करेगा, तो हमें ये देखना है। जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैंने लास्ट टाइम जब मैं घूमने गया था तो मैंने ये वाला फास्टैग हटा दिया था। इस गाड़ी का मैंने नया फास्टैग लिया था और वो मैंने चिपकाया नहीं था, यहाँ साइड में रख दिया था, बट अब पता नहीं कहाँ गया, खो गया। अब गाड़ी नंबर से स्कैन करता है या पेनल्टी लगती है हमें? बोलो फोन नंबर से करो, ऐसे बोलो नंबर से कर दो, नंबर से कर दो नंबर से नंबर डाल के। अभी हमने इनको बोला भैया को नंबर डाल के, और ये नंबर डाल के खुल गया। देखा मैंने कहा था ना तुमसे भाई, नंबर डाल के खुल जाता है। हमारा फास्टैग भाई खुल चुका है, टोल हमने पार कर लिया बिना फास्टैग के, फास्टैग पार कर लिया हमने गाड़ी नंबर से। गाड़ी में हम रिचार्ज मार लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, टनाटन चलते रहो। टाइम हो रहा है सुबह के 5:20, जो नज़ारे मिल रहे हैं सुबह सुबह के, इस टाइम लोग तो सो के भी नहीं उठ रहे, और हम मेरठ पार कर चुके हैं। टाइम हो रहा है 5:40, ये हमारा सेकेंड टोल आने वाला है। हट जा जल्दी हट, टोल आ रहा है, हट जा। ये आ गया हमारा टोल 500 मीटर के बाद, ये हमारा है सेकंड टोल। यहाँ पे भी हम लोग ऐसे ही निकलेंगे क्योंकि फास्टैग तो है नहीं हमारे पास, मेरे भाई ने फास्टैग खो दिया है, तो
गाड़ी नंबर सही डाल के निकलेंगे। इससे हमें ये पता चला है कि अगर आपका फास्टैग खो गया हो तो आप गाड़ी नंबर डाल करके निकल सकते हो। पूरे रास्ते में हम गाड़ी नंबर डाल के गाड़ी नंबर देखो गाड़ी नंबर डालते हैं, खोल दिया भाई ने, खुल गया गाड़ी नंबर डालते हैं। फास्टैग हो ना हो कोई मतलब नहीं है, गाड़ी नंबर होना चाहिए बस। वैसा मत करना गाड़ी का नंबर किसी और का लिखवा दो और खुलवा दो। ये शीशा गंदा हो रहा है, दिख रहा है आपको गंदा शीशा। मैं भाई से कह रहा हूँ कि गाड़ी रोक दो, थोड़ी देर में शीशा साफ कर दो, शीशा साफ कर दो भाई। रोकने में तैयार नहीं हो रहे शीशा, रोक दो मेरे भाई। भाई नहीं रुक रहेगा, इसको गलत बैठा दिया ड्राइविंग सीट पर। और मैंने इसका एक जुगाड़ सोचा है कि अगर इस गाड़ी में सनरूफ होता है यहाँ पे, तो मैं यहाँ से सनरूफ काटकर ऐसे हाथ डालता नीचे और ऐसे 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 साफ कर देता हूँ। तो ये आइडिया इनको पसंद आया है, तो ये अब सेक्टर 16 जाएंगे यहाँ पे सनरूफ लगवाना है इसमें। ये सनरूफ लगवाएंगे वैगन आर में, पूरे हिंदुस्तान की पहली वैगन आर होगी जिसमें सनरूफ लगा हुआ है। और वो भी सनरूफ इसलिए इस्तेमाल होगा सिर्फ शीशा साफ करने के लिए, क्योंकि ये रोकेगा तो है नहीं भाई गाड़ी में। एक बार पंजे में बैठता है तो ये फिर उड़ता ही जाता है। और अब CNG स्टेशन पे आ गए, अब CNG भरवाते हैं। ये जब गाड़ी हमारी ओवर स्पीड पे जाती है ना, मतलब ज़्यादा तेज चलती है, ये निशानी होती है। ये इतने लोगों को तुमने मार दिया, इतनों की जान ले ली तुमने भाई, इतनों की जान ले ली तुमने। टाइम हो रहा है 6:20, 6:15, 6:12। क्या हो रहा है ये यार, कितना टाइम हो रहा है? 6:10। अब हम जा रहे हैं गणपति ढाबा। कौन से ढाबा है? गणपति ढाबा। कुछ खिला दो भाई, भूख लग रही है यार। इन भाइयों को भी तुमने ऐसे ही लेके घूम रहे हो सुबह से। चाय भी पूछनी है भाई, ये तुम्हारा मालिक चाय पूछता है? मुझे भी दिहाड़ी को लेके आए यार। छाता का है मेरा, छाता देखो भाई मेरा, मैं अपना छाता लेके आया हूँ साथ में। आ गया हमारा गणपति टूरिस्ट ढाबा, हम यहाँ रुकेंगे। और इसी के पास में CNG स्टेशन होता था यार, यहाँ पे कहाँ चला गया वो? चला गया। यहाँ पे हम पहले भी रुके थे, इससे मेरी यादें बहुत पुरानी जुड़ी हुई हैं। प्याज का 15 रुपये अलग से लगेगा, क्या लिखा है? आलू का 15 रुपये अलग से लगेगा। मुझे दिखाई कम दे रहा था, मैंने चश्मा पहन लिया। तुम्हें दिखाई दे रहा? इनकी नजरें बहुत तेज है भाई, बहुत दूर तक दिखता है भाई। प्याज के 15 रुपये अलग से है, हम अपनी प्याज पराठे में से निकाल के इनको दे देंगे, 15 रुपये ले लेंगे, 15 रुपये डिस्काउंट करा लेंगे। अभी तक तो गाड़ी ये भाई साहब चला रहे थे, अब गाड़ी मैं चलाऊंगा। टाइम क्या हो रहा है अभी? 6:30 हो रही है, 6:30 बजे ये गणपति पे लिया है, और मैं 10 बजे इनको अभी ऋषिकेश पहुँचाऊंगा, इससे पहले नहीं पहुँचाऊंगा भाई। तुम भी आराम कर लेना भाई, थोड़ी देर सो जाना, क्योंकि ये तो भाई कातिल आदमी है, ये सोने नहीं देता भाई, किसी मार के रखता है। मैंने ऑर्डर किया है, ये कौन सा पराठा है भाई? मिक्स पराठा, देसी मक्खन। प्याज व्याज तो मंगा लो यार गुरुदेव। यार यहाँ पे पराठा तो खाया हमने, बट यार मज़ा नहीं था पराठे में बिल्कुल भी। बहुत ही मतलब थर्ड क्लास तो नहीं कह सकते, बट हाँ एवरेज था यार, मतलब मज़ा नहीं आया पराठा खा के। तो हमने तो एक ही खाया, फटाफट चाय पी और फिर निकल लिया यहाँ से, हम निकल रहे हैं। लेकिन मत रुकना यार यहाँ पे, इससे अच्छा कहीं और रुको। ड्राइविंग सीट पे आ चुका हूँ मैं, मालूम भाई सोएंगे, ये विराजमान हो रहे हैं भाई साहब हमारे। तुम्हारा कच्चा दिख रहा है इसमें, कच्चा मैं भी पहनूंगा, मैं लाया हूँ कच्चा, कल पहनूंगा कच्चा भाई, सब डालूंगा मैं व्लॉग में। ये कह रहे हैं ये मत डालना, तुम बताओगे? मैं डालूंगा भाई, किसी में ठोक मत देना। नहीं ठोकेगी भाई, तुम मेरे ब्लॉग देखो, मैं मेरा एक हाथ यहाँ रहता है और एक हाथ मेरा सामने रहता है, और मैं फटाफट मस्त चलाता हूँ गाड़ी। जब मैं अकेला जाता हूँ तो मैं तो अकेला ही होता ना, ड्राइव भी मुझे ही करनी है और गाड़ी भी मुझे ही चलानी है और ब्लॉग भी मुझे ही बनाना है। हमारी जर्नी का 3rd टोल, 50 रुपये का ये टोल है, इस टोल को भी हम बिना फास्टैग के पार करेंगे। अब चलते हैं फटाफट। खुल जा सिम, खुल जा सिम, खुल गया। ये है हमारी जर्नी का 4th टोल, इसके बाद हमें कोई टोल नहीं मिलना चाहिए, बट शायद इसके बाद एक टोल और पड़ेगा, शायद, कंफर्म नहीं है। वैसे तो मेरे ख्याल से ये लास्ट टोल है, 120 रुपीज़ का ये टोल है। और ये गाड़ी बहुत देर से मेरे आगे से चल रही है यार, मेरे को जगह ही नहीं दे रही ओवरटेक करने के लिए, अभी इसको पीछे छोड़ता हूँ।